गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सेशन एंड वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट आर लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस सत्र की पहली क्लास में आपका स्वागत है और हमारे वीडियो विशेष रूप से हिंदी मीडियम बच्चों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो आज से आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी फर्स्ट क्लास है और हम शुरुआत करते हैं लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले लेटर्स को। लेटर्स का मतलब होता है वर्ण या अक्षर, और जो अक्षरों का समूह होता है जो कि किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, मतलब वर्णमाला। एक अक्षर को लेटर बोलते हैं और अक्षरों का जो समूह होता है उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक मोती होता है, जब वो सिंगल होता है तो हम उसको मोती बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक निश्चित क्रम में पिरो देते हैं तो वह एक माला बन जाता है। उसी प्रकार यदि एक अक्षर होता है, वर्ण होता है, तो उसको हम लेटर बोलते हैं, लेकिन ऐसे लेटर्स का एक फिक्स्ड ऑर्डर, निश्चित क्रम जो होता है, उसे हम अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। A letter is a written or printed sign that represent a sound in a language. वर्ण या अक्षर एक लिखित या मुद्रित प्रतीक होता है जो कि किसी भाषा की ध्वनि को प्रदर्शित करता है। किसी भाषा को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रतीक का उपयोग करते हैं उसे ही लेटर कहते हैं, और हिंदी में इसे वर्ण कहते हैं या अक्षर। There are two types of letters in English language, capital letters and small letters. अंग्रेजी भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर, जिनको लिखने में प्रयुक्त किया जाता है। आगे हम देखेंगे कहाँ पर कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होता है और कहाँ पे स्मॉल लेटर्स का प्रयोग होता है। चलिए अब देखते हैं अल्फ़ाबेट्स को। An alphabet is the set of letters in a fixed order that used in writing any language, like A, B, C, D से लेकर के Z तक। अक्षरों का या वर्णों का ऐसा समूह जो किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त होता है और एक निश्चित क्रम में होता है उसे ही अल्फ़ाबेट या हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में A से लेकर Z तक जो अक्षर हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, और हिंदी में आ से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक जो है वो हिंदी की वर्णमाला है। चलिए अब देखते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ये लेटर्स हैं ए से लेकर के जेड तक। अब जो इसमें रेड कलर के दिख रहे हैं वे हैं वोवेल साउंड्स, और जो इसमें येलो कलर से लिखे हुए हैं वे हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है डब्ल्यू एंड वाई, ये समटाइम्स बिहेव लाइक अ वोवेल साउंड्स एंड समटाइम दे कंसीडर्ड एज अ कॉन्सोनेंट साउंड। इस पिक्चर में जो रेड कलर से ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है ये वोवेल साउंड है। हालांकि वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो हैं वे ध्वनि विज्ञान से संबंधित हैं और इनकी ब्रीफ स्टडी फोनेटिक्स के माध्यम से की जा सकती है, लेकिन फिलहाल में चलिए देखते हैं कि वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 5 वोवेल्स या 5 स्वर होते हैं, और वे हैं ए ई आई ओ और यू। वोवेल्स आर दोज साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए कि
किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। वे ध्वनियाँ जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित की जा सकती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन को। कॉन्सोनेंट्स आर दोज साउंड्स दैट रिक्वायर्स अ वोवेल साउंड टू बी प्रोनाउंस्ड। दे कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ वोवेल साउंड। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी स्वर ध्वनि की आवश्यकता होती है, अर्थात व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। अब चलिए देखते हैं कि इनका उच्चारण कैसे होता है। चित्र में देखिए, जैसे कि हम क बोलते हैं, क, तो हम जब क उच्चारित करते हैं तो आखिरी में अ आता है, क अ आ साउंड लास्ट में आता है। मतलब व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, परंतु यदि हम अ बोलते हैं, अ या ई, तो उसके बाद में अ या ई ही सुनाई देता है। हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते, लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और वे वर्ण जो बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं वे स्वर होते हैं, और जिनको बोलने के लिए हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है वे स्वर होते हैं, और जिनको बोलने में वायु का प्रवाह दांत, तालु और जीभ के द्वारा अवरुद्ध होता है, मतलब जिनको बोलने के लिए हम दांत, तालु या जीभ, ओठ वगैरह की सहायता लेते हैं, वे व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। धन्यवाद।